मंदिरों में जाने वाले लड़कियां छेड़ते ये कहने वाले राहुल गांधी खुद मंदिर जाने क्यों लगे? मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। और कब से मंदिरों में मत्था टेकते आ रहे राहुल गांधी वो सब बताएंगे इस वीडियो में, पूरा जिक्र करेंगे, पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे। राहुल गांधी आजकल वैष्णो देवी माता मंदिर के दर्शन करने गए हुए हैं। आप देखते होंगे कि राहुल गांधी किसी न किसी मंदिर में दर्शन करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, करने भी चाहिए, धर्म पुण्य में श्रद्धा होना अच्छी बात है। आइए दिखाते हैं आपको राहुल गांधी की वैष्णो देवी दौरे की एक झलक। आगे हम कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे जब राहुल गांधी मंदिरों में मत्था टेकते रहे हैं और कब कब टेका है वो भी दिखाएंगे। फिलहाल ये वीडियो देखिए। एक समय था जब राहुल गांधी बोलते थे मंदिरों में जाने वाले बसों में लड़कियां छेड़ते हैं, लेकिन अब उनका मंदिर प्रेम बढ़ गया। ये बढ़ गया है या राजनीति और समय की ज़रूरत है वो तो राहुल गांधी बहुत अच्छे जानते होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी को लगता है बीजेपी हिंदुओं के वोटों पर एक तरह से कब्जा जमा चुकी है, सिर्फ हिंदुत्व और राम मंदिर के नाम पर, और हिंदू वोटर ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है, क्योंकि इसी कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में राम सेतु को भी काल्पनिक बता दिया था, जिसको हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये है तो गोदी मीडिया का स्क्रीनशॉट, लेकिन ये बात अखंड सत्य है। हाशिए पर पहुंची कांग्रेस को बचाने के लिए, पिछली गलतियों को भुलाने के लिए और हिंदू वोटरों को भुनाने के लिए तो कहीं मंदिरों को सहारा नहीं लिया जा रहा है। एक बार तो राहुल गांधी में इतना मंदिर प्रेम जगा कि 50 दिन में 11 बार मंदिरों में दर्शन को पहुँच गए। लेकिन कब कब इन्होंने मंदिरों के दौरे किए उनकी एक झलक हम आपको फोटोज के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 2014 से पहले राहुल गांधी का यह मंदिर प्रेम कहां था? शायद कोई इक्का दुक्का मौकों पर ही शायद राहुल गांधी की कोई तस्वीर मंदिर में दिखी हो। अब तो राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी बताते हैं और पंडित भी बताते हैं। बीजेपी इस पर खूब ढाके लगा रही हैं और बोल रही हैं राहुल गांधी को 2000 के बाद पता चला कि वो हिंदू हैं और कह रहे हैं ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन फैसला जनता को करना है, क्योंकि जनता के पास वो ताकत है, वोट की चोट है, वोट की चोट सबसे बड़ी चोट है, वो जनता को देना बड़े अच्छे से आता है। कौन सही है कौन गलत है वो अपने विवेक से फैसला ले लेती हैं। लेकिन हम आपको एक बात ज़रूर कहेंगे, लेकिन वोट की चोट हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर नहीं, क्योंकि अगर आप लोग इन्हीं में उलझे रहे तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा। और ये राजनेता ऐसा ही चाहते हैं, हमें इनमें उलझा कर रखते हैं, बारी बारी मलाई खाते रहते हैं। 5 साल कोई बन गया, 10 साल कोई बन गया, 5 साल उनकी सरकार है, 10 साल उनकी सरकार है, इस तरीके से बारी बारी मलाई खाते रहते हैं। वोट करो विकास पर, वोट करो रोजगार पर, वोट करो महंगाई पर, सुशासन पर, गरीबी पर, व्यापार पर, वोट करो अच्छी शिक्षा पर, वोट करो अच्छे हेल्थ सिस्टम के लिए। आपने देखा होगा कोरोना में गंगा में लाशें तैरती नजर आ रही थी। बाकी तो आप ज़्यादा समझदार हैं, फैसला आपको लेना है। हमारा मकसद सिर्फ आपको सच्चाई दिखाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें। Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद।